त्याची काळजी करू नका, तुम्ही त्याची काळजी करू नका, तुम्ही फक्त एक काम करा माझं आहे. मैंने 2009 साल में विधायक बन गया. उस वक्त राष्ट्रवादी और कांग्रेस इस राज्य से देश से हद्दपार होने के लिए निषेध व्यक्त किया. इसी वेशभूषा में गली से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की सरकार आई. आज मेरे को बीजेपी ने टिकट नकारा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है. आज भी वक्त है, कल 2 बजे के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दिलाकर चुनाव के अंदर उम्मीदवार घोषित किया जाए. अगली कड़ी कल निश्चित की जाएगी. चुनाव लड़ना तय हो चुका है और वो भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता के भरोसे के ऊपर. 10 साल मैंने सेवा की है, उस सेवा के मुताबिक किसी का 1 रुपये का भ्रष्टाचार न करते हुए अंतिम सांस तक मतदार संघ के विकास के लिए बहुत बड़ा निधि लाकर ग्रामीण रास्ते हो, पीने के पानी की सुविधा हो, यहाँ तक कि नेशनल हाईवे हो, हर समस्या के लिए मैंने आवाज़ उठाई और विकास के लिए मैंने अविरत जनता की सेवा की. मुझे जनता के ऊपर भरोसा है कि सुधाकर भालेराव के ऊपर जनता विश्वास कर कर मुझे चुन कर देगी. इसके लिए मैं चुनाव की तैयारी में जुटा हूँ. पार्टी छोटी थी, अब बड़ी हो गई. बड़ी होने के बाद कुछ लोग शातिर दिमाग से पैसों के लिए टिकटों का बंटवारा करने की भी कोशिश साजिश बन चुकी है और हो चुकी है. इसके लिए बड़ा खेद लगता है. अच्छा अच्छा कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ही दुखद घटना है. कितने पैसों का?